यह एक वैंग स्केल का लॉजिक कार्ड है। आज मैं आपको बताऊंगा ये कैसे वर्क करता है और इसे कैसे रिपेयर करना है अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो। ये इसका मेन सीपीयू है जो इसे कमांड देता है वर्क करने के लिए। ये 5 वोल्ट सप्लाई इनपुट के लिए है। यहाँ से कार्ड को वर्क करने के लिए 5 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। ये कीपैड कनेक्ट होता है यहाँ पे, और जो ये एरिया है ये डिस्प्ले के लिए है। अगर डिस्प्ले में कोई दिक्कत आ रही है तो इस एरिया को चेक करना पड़ेगा, इनमें से कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। इधर वाला एरिया वेट के लिए है। अगर कैलिब्रेशन करने के बाद भी वेट में दिक्कत आ रही है तो इस एरिया को चेक करना पड़ेगा, इनमें से कोई कॉम्पोनेंट खराब होगा तो उसे चेंज करना पड़ेगा। की पैड के लिए वाला एरिया होगा। यहाँ इनपुट के लिए अगर कार्ड ऑन नहीं हो रहा तो इनपुट से चेक करना पड़ेगा। ये डायोड वगैरह लगी हुई है, इनको चेक करना पड़ेगा कि इनमें कोई चीज़ खराब ना हो। तो यही है बस, आपको बता दिया कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। There. Subscribe to my channel and also press this bell icon.